एक गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगरेट का धुआं चला जाता है, 400 सिगरेट का। बच्चे घर में होते हैं और इसलिए उनको भी धुएं में ही गुजारा करना पड़ता है। करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। खाना भी खाते हैं तो धुआं ही धुआं होता है, आंख से पानी निकलता है और वो खाना खाता है। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था, कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि माँ खाना परोस रही हो लेकिन हम माँ को देख नहीं पाते थे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूँ, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। इस रसोई गैस से खर्चा भी कम होने वाला है। आज उसकी तबीयत कोई बर्बादी होती है, उसकी तबीयत भी ठीक रहेगी। आज लकड़ी लाना चूल्हा जलाने में टाइम जाता है, उस गरीब मां का टाइम भी। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। मेरे लिए खुशी है कि थोड़े दिन के बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है और आज मुझे एडवांस में माताओं बहनों के आशीर्वाद भी मिले और ऐसे में देश के करोड़ों गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को आज एक और उपहार देने का अवसर मिला। आज उज्ज्वला योजना के अगले चरण में कई बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा मिल रहा है। मैं सभी लाभार्थियों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है, अपने समाज के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। महोदय, प्रधानमंत्री जी जरा अपने उज्ज्वला योजना का हस्त भी देख लीजिए। क्या आपने गरीब माताओं एवं बहनों के आंख से धुआं निकालने की जगह उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं किया है क्या? योगी आदित्यनाथ से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। प्रधानमंत्री जी जरा अपने उस उज्ज्वला योजना का सच भी देख लीजिए। क्या आपने गरीब और वंचित महिलाओं के आंख में धुआं निकालने की जगह धूल नहीं झोंका है क्या? बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है।
मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और माँ लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।